अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम बनाने वाले हैं वो वैलेंटाइंस डे के लिए गिफ्ट बॉक्स है। आप इस गिफ्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी रख सकते हैं। ये बेसिकली आपका कार्ड या कोई भी चीज़ अगर आप रखना चाहते हैं, जैसे कि कुकी बॉक्स होता है, सपोज आप इसके अंदर कुकीज़ भी रख सकते हैं। इसके लिए जो आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है वो है सीजर, एक बॉक्स। ये जो मेरा बॉक्स है ये तकरीबन जो सा है काफ़ी ज़्यादा वाइड है। उसके अलावा टेप, ग्लू, स्टिकर्स, ये कुछ जो सा है तारे हैं रेड कलर के। आपके पास कुछ और डेकोरेशन मटेरियल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये गोल्डन शीट जो है, ये जो सा है बेसिकली एक गिफ्ट पेपर है। उसके साथ मैंने पहले से ही हार्ट कट कर लिया है। ये गिफ्ट पेपर आप कोई भी गोल्डन गिफ्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की शीट, ब्लैक हार्ट चार्ट, रेड पेपर की शीट, एक वाइट पेपर की स्ट्रिप और कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप इस बॉक्स को देख लें। इसका जो सा लिड है वो यूं ही ये फुल बना हुआ है और ये नीचे वाला बॉक्स भी इतना पोर्शन है। अब जो सा है इसकी बेस को ले लें। ये जो सा है गोल्डन शीट, मैंने आपको बताया कि ये गिफ्ट पेपर है, इसको लेकर मैंने इधर मिड में रख लिया है। सबसे पहले आप जो सा है बॉक्स की बाहर वाली साइड इस पर ग्लू लगा लें और इसको इसके ऊपर पेस्ट कर दें। इसको पेस्ट करने के बाद अब जो है एक साइड जो सी है इसकी, इसको आपने पहले इस वाली साइड से पकड़ना है। ये देखें, ये वाली जो साइड है इससे यूं करके एक ट्रायंगल बना लें। ये यहाँ पर ट्रायंगल का हाफ पोर्शन बन रहा है। उसके बाद जो आपके पास ये पोर्शन है इसको यूं करके अंदर को प्रेस कर दें। दोबारा देखें, ये जो साइड है इधर से आपको सिर्फ एक ये ट्रायंगल की शेप बनानी है। जो यहाँ पे पोर्शन बचेगा उसको यूं प्रेस करें। ये प्रेस करने के बाद इस सारी साइड को अंदर ले जाएं और ये यहाँ और यहाँ पर ग्लू कर दें। ये दोनों साइड्स को इसी तरह सेम प्रोसेस से मैंने रिपीट किया है और यहाँ पर भी ग्लू से एजिस को अंदर फोल्ड कर दिया है। इस साइड पर भी सारी पोर्शन को ग्लू लगा के इसको अंदर को फोल्ड कर दें और इसी तरह मैं दूसरी वाली साइड पर भी सेम प्रोसेस रिपीट करूँगी। तो अब ये जो सा हमारा बॉक्स का नीचे वाला पोर्शन है ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर वाले पोर्शन की तरफ चलते हैं। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसके ऊपर हमने ये ब्लैक चार्ट पेस्ट करना है। ये इसकी इनर साइड है और इसको जो सा है सबसे पहले ग्लू कर लें और चार्ट पेपर के मिड में इसको पेस्ट कर दें। ये अब पेस्ट हो चुका है। इसको पेस्ट करने के बाद इसके जो से चारों एजेस हैं उन पर से एक एक स्क्वायर कट कर लें, बिल्कुल इस तरह। अब ये जो सी इसकी साइड्स हैं इनको सिंपली इधर ग्लू लगा के इधर पेस्ट कर देना है। अब जो है ये जो सा है हम हार्ट चार्ट इसके ऊपर पेस्ट कर चुके हैं। अब जो सी है रेड शीट, इसको हमने इसके मिड में पेस्ट करना है। इसके लिए जो सा है जो हार्ट चार्ट है वो वाइट ग्लू के साथ ज़्यादातर पेस्ट नहीं होता, इस वजह से इसके लिए मैं UHU यूज़ कर रही हूँ। अब ये रेड शीट मैंने पेस्ट कर लिया है। इसके बाद इसके इर्द गिर्द का मैंने पूरा ये बॉर्डर जो सा है ये गोल्डन शीट के साथ कट किया हुआ है, वो भी UHU से इस पर पेस्ट करेंगे। अब ये गोल्डन स्क्वायर मैंने इसके ऊपर जो सा है पेस्ट कर दिया है। उसके बाद इसी गोल्डन शीट के साथ मैंने एक हार्ट कट किया है, उसको सबसे पहले जो है इस बॉक्स के एग्जैक्टली मिडल में आपने पेस्ट करना है। इसी जो सा है शेप का हमने यहाँ पर ये जो सा है ब्लैक चार्ट के साथ मैंने हार्ड कट किया है। इसके नीचे जो सा है कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस, अगर आपके पास डबल साइड टेप है तो आप यहाँ पर वो पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर ये इसका इजी ट्रिक ये है कि आप यहाँ पर कार्डबोर्ड के कुछ पीसेस यूँ कट करें, छोटे छोटे पीसेस, और उनको जो सा है इसके ऊपर ग्लू की मदद से लगा लें। जो कार्डबोर्ड के पीसेस हैं वो पेस्ट करने से पहले इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की शीट पेस्ट करनी है। उसके लिए इसको अच्छी तरह ग्लू कर लें। प्लास्टिक की शीट को पेस्ट करने के बाद इधर जो है हमने वो ये पीसेस पेस्ट करने हैं कार्डबोर्ड के। अब ये वाला जो सा है हमारा पीस प्रिपेयर हो चुका है। इसको प्रिपेयर करने के बाद मैंने ये चार्ट पेपर के ऊपर खुद ही से ये लिखा है। अगर आपको यूं कैलीग्राफी भी सीखनी है तो आप हमें कमेंट में बता दें, मैं आपको कैलीग्राफी का भी बता दूंगी। इसको यहाँ पर मिड में करके मैंने पेस्ट कर दिया है।
अब इसके बाद जो है आपको जितने भी ये तारे चाहिए इनको इधर रख लें। और उसके बाद जो है ये हमारे कार्डबोर्ड के ऊपर ग्लू लगाएं। अब मैं ये जो सा पूरा हार्ट है इसके ऊपर पेस्ट कर चुकी हूँ। उसके बाद अब ये जो स्टिकर्स हैं वो इसके बिल्कुल एजेस के ऊपर मिडल में पेस्ट करने हैं। और यही जो सा स्टिकर्स मैंने इसके एजेस के ऊपर भी चार पेस्ट किए हैं, ये देखें ये बीड्स हिलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। सो अब ये बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। ये देखें ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है और ये इसकी डाउन साइड है। तो इसी तरह जो सा है हम आप ये या और भी क्राफ्ट आइटम्स हमारे देखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल क्राफ्टी को विजिट करें। और अगर आप कुछ कस्टमाइज कराना चाहते हैं तो हम वो भी बनाकर दे सकते हैं। इन सब चीज़ों का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो अल्लाह हाफिज़, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।